जगदम्बिका पाल इस पर क्या कह रहे हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने जगदम्बिका पाल से बात की है, जो कह रहे हैं कि संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी माफी मांगे, ये मांग की गई है बीजेपी की तरफ से। आज राहुल गांधी ने ये कहा है कि मैंने एंटी इंडिया कुछ नहीं कहा, ये स्पष्टीकरण दिया, आप कैसे देखते हैं? एंटी इंडिया नहीं कहा, विदेशी धरती पे जाके जहां जिन लोगों ने हम पे राज किया था उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई, भारत में पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता है। उन्होंने देश का अपमान किया, इस पार्लियामेंट का अपमान किया, पूरा देश देख रहा था कि जब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस तरह से अनर्गल आरोप कितने देर तक लगाते रहे, उनको कोई पूरी फ्रीडम थी, स्पीकर साहब ने उनको पूरा समय दिया और इसके बावजूद इस तरह से जाकर के वहां की छवि को धूमिल करना, जिस तरह से भारत के खिलाफ, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के लगातार चार दिन से सदन नहीं आ रहे हैं, उनके लोग बेल में सदन को की कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं, स्पीकर साहब कह रहे हैं आप बेल से आइए हम आपको पर्याप्त अवसर देंगे, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर उन्होंने भारत का अपमान नहीं किया तो ये बात पहले दिन से आकर के उन्होंने सदन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते किया क्यों नहीं? उनको यहाँ अवसर है, उनको ये कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस बात पे हैं।